नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकिंग अड्डा में। और आज हम बात करने वाले हैं, जो हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। जो भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमारा यहाँ पे जो बेस स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जो हमारी सब कैटेगरी है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए है, जो कि SBI और IBPS और अलग अलग बैंकों में अलग अलग एग्जाम होते हैं। इसके साथ साथ है चैप्टर आपके मैनेजमेंट में MBA और BBA मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ में जो भी बैंक PO के इंटरव्यू होते हैं वहाँ में यहाँ से जो है क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, आज पहले चैप्टर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ बात करेंगे। किन किन प्रोसेस में मार्केटिंग को हम कहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट है और कस्टमर को उससे क्या बेनिफिट है, हम इस एक एग्जांपल के थ्रू और बिट डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मार्केटिंग और उसके प्रॉफिटेबल के बारे में। तो फर्स्ट अगर हम डिफाइन करते हैं, मार्केटिंग इज मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स। द टू फोल्ड गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स बाय प्रॉमिसिंग सुपीरियर वैल्यू एंड टू कीप द ग्रो करंट कस्टमर बाय डिलीवरिंग सेटिस्फेक्शन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य मार्केटिंग का ये है कि हम कस्टमर रिलेशनशिप ऐसे मैनेज करें कि वो हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल हो, कस्टमर के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। आप सेकंड पैरा में अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केटिंग इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स बाय प्रॉमिसिंग सुपीरियर वैल्यू। तो यहाँ पर इसका यह मतलब हुआ कि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, उनकी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको हम सर्विसेज डिलीवर करके कस्टमर सर्विस विद सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू जो है अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे और अपनी मार्केटिंग को यूज करेंगे और कस्टमर्स के प्रॉफिटेबल के हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये हमारा जो है मार्केटिंग का पार्ट है। एग्जांपल के थ्रू आप देख लेते हैं जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ, वॉलमार्ट हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाय डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रॉमिस सेव मनी लाइव वाटर। सेव मनी लाइव वाटर। देन हम अगर बात करते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में, तो बैंकिंग की लैंग्वेज में यहाँ से आपको कोई भी इंटरव्यू है, कहीं भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप बैंक में क्या मार्केटिंग करेंगे, तो यहाँ पे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि बैंक में मार्केटिंग, अगर आप बैंक में SBI अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप PMY या APY या कोई स्कीम कस्टमर को समझा करके उसको अगर आप जो है उसको एक SBI अकाउंट के साथ भी कस्टमर को सर्विस उसके प्रोवाइड कराते हैं तो ये आपका मार्केटिंग का ही पार्ट माना जाता है, ये एक प्रकार से मार्केटिंग ही है। तो इसको हम मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। इसी में मार्केटिंग में आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जिसमें आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बीच डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब हम इसके आगे जो बात करने वाले हैं, मार्केटिंग में किन किन स्टेप के थ्रू हम अपना जो है कदम रखते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हमें मार्केटिंग में सक्सेस बनाते हैं, तो अब हम उस पर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट। यहाँ पर हमें मार्केट प्लेस में अंडरस्टैंड होने की जरूरत है, एक स्टैंड लेने की जरूरत है, कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, कस्टमर क्या चाहता क्या है, आखिर में कहाँ से हम उसकी जो रिक्वायरमेंट को, उसके डिमांड को पूरा करेंगे। देन अगर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो डिजाइन अ कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमें डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाएं जो कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी प्रॉफिटेबल हो। देन बात करते हैं स्टेप थ्री की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कंट्रस्ट एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्ड सुपीरियर वैल्यू। तो ऐसे हमको एक मार्केटिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है जो सर्विसेज को कस्टमर के पास अच्छे से सुपीरियर तरीके से डिलीवर करें,
देन हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की, तो बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर्स डिलाइट। मतलब यहाँ पे हमें ऐसी प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर्स के साथ कि कस्टमर जो है हैप्पी रहे और वो जो है हमारे प्रोडक्ट का यूज करे और उसको जो है हम अपने जो है रिलेशनशिप के तरीके से कस्टमर्स को हम प्रॉफिट पहुंचाते रहें और अपने कंपनी को भी प्रॉफिट पहुंचाते रहें। देन हम लास्ट स्टेप की बात करते हैं, तो कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर्स इक्विटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कस्टमर है उससे हम जो है सर्वे के थ्रू या सैंपल के थ्रू जो है उससे हम टाइम टाइम पर जानकारी लेते रहेंगे, जिससे क्या होगा हमारा प्रॉफिट और आगे क्रिएट कर सकते हैं, आगे बिजनेस बढ़ा सकते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे होता है विद कस्टमर इक्विटी। तो ये हमारे कुछ थे स्टेप्स दे जो कि हमें मार्केटिंग में काफी यूज होते हैं। अब अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड में, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करें कि मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड्स और उसके जो कोर वैल्यूज होते हैं कस्टमर और मार्केट प्लेस के, उन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला कॉन्सेप्ट जो आपका है कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। इसमें से मैक्सिमम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड, इन तीनों को आप अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है मार्केटिंग, मार्केट ऑफरिंग, प्रोडक्ट, सर्विस एंड एक्सपीरियंस। थर्ड है आपका कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। फोर्थ है एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप। फिफ्थ है मार्केट। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम मार्केटिंग मायोपिया की बात करते हैं। मतलब मार्केटिंग से डर, मार्केटिंग से भय, ऐसा क्या है मार्केटिंग में, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कस्टमर नीड, वांट्स एंड डिमांड्स की। तो नीड्स में आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिसिएशन होता है, तो इसमें हमारी नीड जो होती हैं फिजिकल नीड, सोशल नीड, इंडिविजुअल नीड। तो आप फिजिकल नीड मीन बेसिक नीड जो आपकी होती है कपड़े और खाने की होती है, जो कि बेसिक नीड फॉर फूड एंड क्लोथिंग। सोशल नीड फॉर बिलोंगिंग एंड अफेक्शन। बात करते हैं इंडिविजुअल नीड की, तो इंडिविजुअल नीड में फॉर नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि आपकी इंडिविजुअल की क्या नीड है, आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, क्या लोगों से अलग चाहिए, क्या आपको डिफरेंट चाहिए। वांट्स में होता है द फॉर्म ह्यूमन नीड्स टेक्स शेप्ड बाई कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एन इंडियन इन कोलकाता नीड्स फूड बट वांट्स अ बाउल ऑफ राइस एंड फिश। कस्टमर के क्या वांट्स हैं, तो यहाँ पे कस्टमर क्या चाहता है, उसको भूख भी लगी हुई है, इंडियन पर्सन है और वो कोलकाता का रहने वाला है और वो चाह रहा है कि बाउल ऑफ राइस एंड फिश, उसको चावल और मछली की रिक्वायरमेंट है खाने में। तो ये उसकी वांट्स हो गए। देन हम बात करते हैं डिमांड की, तो पैक्ड बाय बाइंग पावर। जैसे मैंने, अगर मेरी इच्छा है कि मैं कार खरीदूं, मेरी बाइंग पावर अगर है कार खरीदने की, तो ये हो जाता है पर डिमांड। देन अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, मार्केटिंग ऑफरिंग, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमारा सीधा मोटो ये होता है, सीधा हमारा फंडा ये होता है कि मार्केट में हम ऐसी चीज को, ऐसे एंटिटीज को जो है देखते हैं जिससे हमारे खुद को, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे आइडियाज को फायदा मिलता है। अगर आप देखते हैं इसके डिफिनेशन को देखते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं मार्केट ऑफरिंग्स आल्सो इंक्लूड अदर एंटिटीज सच एज पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। और एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल ट्राइंग टू इरेडिकेट हाईली इन्फेक्शियस डिसीज लाइक पोलियो एंड एड्स। तो अगर हम बात करते हैं भारत की, अपने इंडिया की, तो इंडिया में आप पल्स पोलियो आप लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते आ रहे हैं बचपन से। गवर्नमेंट ने पल्स पोलियो का कैंपेन लॉन्च कर रखा है और इसके सेलिब्रिटीज भी इसके लिए सपोर्ट में हमेशा खड़े हुए, अपने स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड मिस्टर सचिन तेंदुलकर, ये लोग इसको प्रमोट करते हैं। और जो भी 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो की दवा जो है हर तीसरे महीने पिलाई जाती है, ये भी गवर्नमेंट जो है इसके लिए सपोर्ट करती है, इसके लिए कैंपेन लॉन्च करती है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मायोपिया की, जो भी मैं इसके कुछ देर पहले बात कर रहा था। तो मार्केटिंग मायोपिया में क्या होता है कि इसमें डर होता है, मायोपिया मीन्स भय या डर, फोबिया, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो मार्केटिंग मायोपिया में क्या होता है कि उन सेलर को जो है स्पेशली देखना पड़ता है कि हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट डिजाइन करें, कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करें जो कस्टमर की नीड भी हो, वांट्स भी हो और
डिमांड भी हो मार्केट में। तो बेसिकली हमें यही रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो मार्केटिंग मायोपिया अगर स्वयं सेलर्स पे मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दे ऑफर देन टू द बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट्स, दे फोकस ऑन द वांट्स एंड लूज साइट ऑफ द नीड्स। तो यहाँ पे वही जो मैंने अभी बताया कि मार्केट में डिमांड क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है, हमें बेनिफिट क्या है, हम इस पे जो है ये तीनों चीज कॉन्सेप्ट को हम इसमें ऐड करते हैं, मार्केटिंग मायोपिया हो जाता है। देन बात करते हैं कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन की। तो अगर हम बात करते हैं कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन की, तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है एक राइट प्लेस राइट लेवल सेलेक्ट करने का, जो भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस हो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम डिफाइन करते हैं इसको बुक की लैंग्वेज में, तो मार्केटर्स मस्ट बी केयरफुल टू सेट द राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। इफ दे सेट एक्सपेक्टेशंस टू लो दे मे सेटिस्फाई दोज हु बाय बट फेल टू अट्रैक्ट इनफ बायर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस काफी लो होती हैं, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो जो है कम अट्रैक्ट कर पाता है कस्टमर को, तो उसमें क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हमको इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता, तो आप देखें नेक्स्ट स्टेप को। इफ दे रेज एक्सपेक्टेशंस टू हाई बायर्स विल बी डिसअपॉइंटेड, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती हैं, तो वही जो अभी आपको बता रहा था कि उनकी जो बायर की जो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई होती है, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है सेलर का, डिसअपॉइंटेड हो जाता है सेलर। देन अगर आगे बात करते हैं, तो कस्टमर्स वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर की बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमें कस्टमर वैल्यू को देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखते हैं, उस पर सर्वे करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, और कस्टमर्स और सेलर के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जिससे हमारे जो कस्टमर रिलेशनशिप को हम मैनेज करने में सक्सेस रहें, जो हमारे मार्केटिंग का मेन रोल है। देन हम बात करते हैं आगे एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप। तो इसका सीधा फंडा ये है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसके बदले में आप कुछ अमाउंट कुछ मनी जो है पे करते हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज, ये आपका एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप होता है। अगर हम बुक की लैंग्वेज में बात करते हैं या डिफाइन करते हैं इसको, तो इसका मतलब ये होता है मार्केटिंग अकर्स व्हेन पीपल डिसाइड टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज रिलेशनशिप्स। एक्सचेंज इन द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्निंग। मार्केटर्स वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बाय कॉन्स्टेंटली डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो यहाँ पे वही बात हो रही थी एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप की, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसके बदले में आप सेलर को जो है सम अमाउंट या मनी जो है आप प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपका एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप के बीच में जो है एक्सचेंज होता है। देन बात करते हैं व्हाट इज अ मार्केट। बहुत अजीब क्वेश्चन है, छोटा भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी है, और एक क्वेश्चन अधिकतर जो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर मार्केटिंग के लिए जाते हैं, तो उनसे इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज अ मार्केट, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो अगर हम देखते हैं डिफाइन करते हैं इसको, तो द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, दीज पीपल शेयर अ नीड और वांट्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू एक्सचेंज रिलेशनशिप, ये हमारा मार्केट है। तो यहाँ पे हमारा एक सेट होता है एक्चुअल पोटेंशियल बायर के प्रोडक्ट का जो है, कि हमारे यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसको हम बेसिकली मार्केट कहते हैं, कि दो लोग आपके खरीदने वाले, एक लोग बेचने वाले, दो लोग बेचने वाले, तो ऐसी जगहों को हम जो है बेसिकली मार्केट मानते हैं। अब बेसिकली आप अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज द मार्केट, आपको अगर नहीं पता तो आप सीधे बोलिए बेसिक लैंग्वेज में कि जहां पर बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं वही प्लेस हमारा मार्केट है। देन बात करते हैं तो डिजाइनिंग की, कस्टमर ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। तो कोई भी मार्केटिंग आप करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, जो हमारे कंप्यूटर से डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें हमारे तीन स्टेप हैं, सिलेक्टिंग कस्टमर टू सर्व, देन सेकंड है चॉइसिंग ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन, थर्ड है मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। तो हम बात करते हैं पहले स्टेप की, तो सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व।
तो यहाँ पे क्या हम करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि किस लेवल का प्रोडक्ट है और किस किस को ये प्रोडक्ट हम सर्व करेंगे और इसको हम किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, इसका हमारा टारगेट क्या होगा, इसको हम मार्केट में सेगमेंट कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की, तो मार्केट सेगमेंटेशन हम करते हैं उसमें एज के हिसाब से कर सकते हैं, जेंडर के हिसाब से कर सकते हैं, और भी अलग अलग कल्चर के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, अलग अलग तरीके से हम इसको सेगमेंट कर सकते हैं कि ये मार्केट में इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है सेल हो जाएगा, उसको हम सेलेक्ट करके जो है मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसको हम टारगेट करते हैं टारगेट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम बुक की लैंग्वेज में देखते हैं या इसको डिफाइन करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, कंपनी मस्ट फर्स्ट डिसाइड हु इट विल सर्व। जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी को डिसाइड करना होगा कि इस प्रोडक्ट को हम कहाँ पे सर्व करेंगे। इट डज दिस बाय डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, मतलब इसको हम कस्टमर के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, इसे मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। एंड सेलेक्टिंग विच सेगमेंट इट विल गो आफ्टर टारगेट मार्केटिंग, और उसको सेलेक्ट करेंगे टारगेट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को अपने सर्व करेंगे कस्टमर को। देन आगे देखते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स मस्ट डिसाइड विच कस्टमर्स दे वांट टू टारगेट एंड ऑन द लेवल टाइमिंग एंड नेचर ऑफ देयर डिमांड, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, लेवल के हिसाब से मार्केट में किसकी क्या डिमांड है, उस तरीके से हम टारगेट करेंगे। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कस्टमर मैनेजमेंट एंड डिमांड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमर और डिमांड दोनों को मैनेज करता है। तो यहाँ पे इसीलिए दिया गया, सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कस्टमर मैनेजमेंट एंड डिमांड मैनेजमेंट। देन बात करते हैं चॉइसिंग ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो कंपनी मस्ट डिसाइड हाउ इट विल डिफरेंशिएट एंड पोजिशन इट सेल्फ इन द मार्केट प्लेस। कंपनीज वैल्यू प्रोपोजिशन इज द सेट ऑफ बेनिफिट्स और वैल्यूज इट प्रोमिसेज टू डिलीवर टू कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, अभी अगर हम मार्केट में बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, तो अभी जब से मार्केट में जियो ने अपना नेटवर्क लॉन्च किया है, जियो लॉन्च हुई है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम एयरटेल ले लेते हैं, बीएसएनएल ले लेते हैं, वोडाफोन कोई भी कंपनी ले लेते हैं, तो भी काफ़ी जो है प्लान जो है इसके टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो भी रेट्स जो है काफ़ी टैरिफ रेट काफ़ी कम हुए हैं, और इसमें एक दूसरे से कंपेयर करिए तो सेम रेट 1.2 पॉइंट ऐसे जो है आपको डिफरेंस आएगा। अगर हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो नोकिया और एप्पल का एग्जांपल मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो नोकिया का स्लोगन है कनेक्टिंग पीपल एनीवन एनीवेयर, और एप्पल का टचिंग इज बिलीविंग। तो यहाँ पर दोनों के टैगलाइन में ही डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आप देखिए प्रोपोजिशन में दोनों की टैगलाइन ही अलग है। एप्पल का टचिंग इज बिलीविंग मीन्स इसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि इसको आप टच करके बिलीव कर सकते हैं। नोकिया क्या कनेक्ट फुलफिल एनीवन एनीवेयर, कोई भी इसको एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है कहीं भी रह करके। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है वन ब्रांड फ्रॉम अनदर ब्रांड। देन बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो हमारी मार्केटिंग फिलोसफीज हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है उसके बारे में। तो इसमें हमारे पांच कॉन्सेप्ट है, फाइव कॉन्सेप्ट, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है आपका, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, पांच कॉन्सेप्ट है आपके। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली एफोर्डेबल एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड देयर फॉर फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। तो इसमें क्या करते हैं कि हम प्रोडक्शन जो हमारा है उसको हम देखते हैं कि वो किस लेवल का प्रोडक्शन है, उसकी क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को जो है अफोर्डेबल बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में उसी ऐसे प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करते हैं, और प्रोडक्शन हम हमेशा जो है इम्प्रूव करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत तेजी से, एफिशियंसी से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो इम्प्रूव करते करते जो भी हमारे कंज्यूमर या कस्टमर जो भी हमारे फीडबैक देंगे उसको हम इम्प्रूव करके प्रोडक्शन करते रहेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन अपना जो है बढ़ाते रहेंगे, उसको एक स्पीड से करेंगे। देन बात करेंगे हम जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के फेवर में, जो हम अभी आपको मैंने बताया कि कंज्यूमर के फेवर में इसको बनाएंगे, और इसको हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम प्रोडक्ट के
रिसर्च को या प्रोडक्ट का जो भी हमारा फीडबैक होता है उसके गैप को, चाहे वो रिसर्च से हो, क्वेश्चनायर से हो, सर्वे से हो, या बाय मेल हो, या हम किसी भी तरीके से जो हमें फीडबैक मिलता है इसको इम्प्रूव करने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में इम्प्रूव करके जो है मार्केट में अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर सेल करते जाते हैं एक एफिशिएंसी से। देन बात करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपका होता है कि इसमें हमारा मेन टारगेट ये होता है कि इसको कौन कस्टमर कितना बाय करेगा, उसका लेवल क्या है, और वो कितने स्केल पे मार्केट में सेल होगा प्रोडक्ट। इसको अगर डिफाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं, द आइडिया दैट द कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। यहाँ पे सीधा फंडा है कि हमें मार्केट में लॉन्च करना है प्रोडक्ट को और अच्छे से प्रोडक्ट को सेल करना है, और इसको हमें एक लार्ज स्केल पे, जो लार्ज स्केल में बहुत बड़े भारी पैमाने में हमको प्रमोशन करके भी मार्केट में सेल करना है। देन बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका हमारे एक टारगेट होता है कि हमको इतना इसका टारगेट अचीव करना है, इतने गोल हमको कंप्लीट करने हैं। तो इसमें देखते हैं, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी होल्ड्स दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए, जो मैं अभी बात कर रहा था अपने टारगेट के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड्स ऑन नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन बेटर देन कंपटीटर्स डू। तो यहाँ पे हम मार्केट में क्या करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पहले हम कस्टमर की डिमांड को, नीड को, वांट्स को जानेंगे, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, और अपने कंपटीटर से अच्छा और उससे कुछ स्पेशल सर्विसेज देंगे, एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगे, जिससे कि कस्टमर जो है हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट को न लेकर के मेरे प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करें। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। अब बात करते हैं सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इसमें कंपनी जो कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखती है, मिनिमम प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट जो लॉन्च करती है, वो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, तो द आइडिया दैट अ कंपनीज मार्केटिंग डिसीजंस शुड कंसीडर कंज्यूमर्स वांट्स द कंपनीज रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर्स लॉन्ग रन इंटरेस्ट एंड सोसाइटीज लॉन्ग रन इंटरेस्ट। तो ये हमारा जो है सोशल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम सोशल मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कंसिडरेशन की, इस सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या। तो आप देख सकते हैं एक ट्रेंगल बना हुआ है, सबसे ऊपर सोसाइटी है और उसको सोसाइटी को दो लोग मिलकर जो है उसको मैनेज करते हैं, पहला कंज्यूमर्स जिसकी रिक्वायरमेंट है सेटिस्फेक्शन लेवल की, दूसरा कंपनी जिसको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों लोग मिलकर जो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, ये आपका सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम बात करते हैं क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग की, तो क्रॉस सेलिंग में ये होता है कि अगर आप कोई भी, आप बैंकिंग फील्ड में अगर जा रहे हैं तो बैंक में जा रहे हैं, बैंक की कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप एसबीआई अकाउंट खोल रहे हैं, तो एसबीआई अकाउंट के साथ अगर आप मोबाइल बैंकिंग कस्टमर को देते हैं तो ये आपका जो क्रॉस सेलिंग के अंडर में आता है। और अप सेलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो आपने अगर एक कस्टमर को होम लोन दे दिया है और ऑलरेडी आप उसको होम लोन के बाद होम इम्प्रूवमेंट लोन अगर देते हैं तो आपका अप सेलिंग में आ जाता है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपका जल्द से जल्द जो है मैं आप सभी के बीच लेकर आऊंगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो राइजिंग स्टार आदर्श या बैंकिंग अड्डा करके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी फीडबैक है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, मेल के थ्रू दे सकते हैं, या हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके भी आप अपना सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।